2024 के लोकसभा चुनाव में विजय पताका फहराने के मिशन में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एक एक बूथ पर भाजपा की नजर है। शहरों वार्डों से लेकर गली मोहल्लों तक भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जमीनी स्तर पर काम करके कार्यकर्ताओं को अब भाजपा ने सोशल मीडिया पर लोगों को जगाने का लक्ष्य दिया है। सोशल मीडिया पर पार्टी की मौजूदगी को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए भाजपा ने बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। पूरे देश में डिजिटल कैंपिंग चलाने के लिए भाजपा ने कार्यकर्ताओं को जुटने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा हर हाल में कब्जा करना चाहती है। इसके लिए किसी भी रणनीतिक मोर्चे पर पार्टी कमजोर ना हो, इसके प्रयास तेज कर दिए गए हैं। रविवार को राजधानी लखनऊ में कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य समेत कई कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत संगठन के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात एपिसोड को कार्यकर्ताओं ने सुना। कार्यशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। आईटी सेल के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी की मौजूदगी दिखाने के टिप्स नेताओं ने दिए। नेताओं ने कहा कि 2024 के चुनाव में विरोधी दल पूरा जोर लगाकर सरकार के बारे में आपत्तिजनक बातें फैलाएंगे। विपक्ष के झूठ को सामने लाने के लिए सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफार्म अभी मौजूद नहीं है, लिहाजा सोशल मीडिया पर विपक्षी हमलों का जवाब देने के लिए नई फौज तैयार करने की जरूरत है। इस मसले पर गहन विचार विमर्श के बाद तमाम तरीके की रणनीति बनाई गई है, जो समय के साथ साथ पार्टी के पिटारे से बाहर आएंगी।